टेल अस होम डू यू वांट टू सी एज अ विनर ऑफ द बिग बॉस? जैस्मिन पक्का डेफिनेटली। क्या वजह? क्योंकि एक तो मेरी बहन है एंड जेन्युइन है इंसान, मेरे को रियल लोग बहुत ज़्यादा पसंद है और जैस्मिन एक मेरे को वन ऑफ द मोस्ट रियल इंसान घर के अंदर दिख रही है। सो यार डेफिनेटली डिजर्व करती है, पहले दिन से है। अब तो जो वाइल्ड कार्ड आए हैं ठीक है, दे डिज़र्विंग, सब कुछ है, बट पहले दिन से जो रहता है वो ही विनर होना चाहिए मेरे हिसाब से कायदे में एक रियलिटी शो में, क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ को हर एक पल को बताया होता है घर के अंदर। सो इस वजह से मैं जैस्मिन कहता हूँ और मेरे को काफ़ी पसंद भी हैं एंड या क्या आप मानते हैं कि बाकी जितने भी लोग आए हैं जो ऑलरेडी बिग बॉस का हिस्सा रह चुके हैं, चाहे वो अर्शी खान हो चाहे वो राखी सावंत हो, ये सिर्फ एक शो को एंटरटेनिंग बनाने के लिहाज से भेजा गया है? सी मैं मानता हूँ बिग बॉस या कोई भी रियलिटी शो एक पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट होता है, हर एक की अलग पर्सनैलिटी होती है, हर एक जने की एक अपनी इंडिविजुअलनेस होती है, उसकी वजह से वो एक एंटरटेनिंग होते हैं, कई अच्छे वे से एंटरटेनिंग होते हैं, कई बुरे वे से एंटरटेनिंग होते हैं। तो एक अलग अलग जब मिक्स ऑफ पर्सनैलिटीज इकट्ठे घर में आते हैं तभी एक शो एंटरटेनिंग बनता है, और उसी वजह से इन सबको एक साथ मेकर्स को ऑब्वियसली इतने सालों से शो बना रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा अकल है, ध्यान है कैसे करना है, तो इस वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग होता है ये शो। हाउ लाइफ चेंज पोस्ट बिग बॉस? बहुत ज़्यादा चेंज हुई है सच मानिए तो, कि ठीक है पहले भी मैंने शोज़ करे हुए थे बट उन शोज़ की मैं मानता हूँ इतनी ज़्यादा लंबी रीच नहीं थी। अब मैं वो देख रहा हूँ बिग बॉस का जो डिफरेंस है, ओवर नाइट लोग पहचानने लग गए, फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए आते हैं, वो काम आने लग गया है, अच्छा काम आने लग गया है, और अब मेरे पास पावर है, मैं नेगोशिएट कर सकता हूँ कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये नहीं करना है। तो वो बिग बॉस हैज़ गिवन यू पावर? बिग बॉस हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स। बिग बॉस हैज़ गिवन मी फेम, बिग बॉस हैज़ गिवन मी पावर, बिग बॉस हैज़ गिवन मी वाइजनेस, वो एक जो अकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि इंडस्ट्री में बहक ना जाओ आप। तो हाँ जी ये सारी कैलकुलेटेड डिसीजन बिग बॉस में, क्योंकि आप कैलकुलेशन सीख जाते हैं जाके, नंबर्स के आंकड़े बहुत अच्छे से आ जाते हैं आपको, तो हाँ कैलकुलेटेड डिसीजन लेने आ जाते हैं आपको बिग बॉस करने के बाद। यस सो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू व्हाट हैपनिंग ऑन प्रोफेशनल फ्रंट। आई हैव जस्ट शॉट फॉर टू सॉन्ग्स, अनदर वन इज बींग प्रेप्ड राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, एंड आई एम इन टॉक्स फॉर अ वेब सीरीज फॉर अ पंजाबी चैनल, एंड लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी तक जब तक नहीं होता मैं बोलना नहीं चाहूँगा इसके बारे में, बढ़िया ये सब चल रहा है। सी रियल सिनेमा इज डूइंग यू नो फेयरली वेरी they're doing fantastic job, you know, why it is so ignored? नहीं मैं नहीं मानता बिल्कुल भी इग्नोर है जी। आज की डेट में रीजनल सिनेमा एक पूरे नेशनल फ्रंट पे आ चुका है। आप अगर अभी की बात करें, किसानों का मुद्दा ले लीजिए, चलिए दिलजीत दोसांझ ने जो करा पूरे इंडिया ने पकड़ लिए बात। दिलजीत दोसांझ एक रीजनल सिनेमा से गई हुई पर्सनैलिटी है, राइट। कंगना रनौत एक नेशनल फ्रंट पे थी बट किसको सराहा जा रहा है, ठीक है। एक हम छोटी सी स्टेट है पंजाब, आज इंडिया को हिला के रखा हुआ है क्योंकि मुद्दा सही है, सही मुद्दे पर बात करिए, सही इसी तरीके से अगर इसको आप सिनेमा में डाल लीजिए, सही कंटेंट बनाइए, सही मैसेज प्रोवाइड अगर आप लोगों को करेंगे, लोग बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। हमारे पास एग्जांपल है सैराट का, मराठी सिनेमा से निकली थी पिक्चर, राइट। हर एक कोने में इंडिया में लोगों को पता है, हमारी इंडस्ट्री से ले लीजिए कैरी ऑन जट्टा, जट एंड जूलियट, सबको पता है, राइट, क्योंकि अच्छा कॉन्टेंट था। कॉन्टेंट जहाँ पर भी अच्छा बनेगा वहाँ पर लोग उसको सराहेंगे, लोग प्यार करेंगे एंड काम अच्छा होना चाहिए बस।